हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? होप करते हैं सब ठीक होंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं नैनीताल धाम, और ये है हमारी किष्टी रानी, एंड पीछे है मिष्टू रानी एंड केंसु अंश एंड हमारी जीजी, वो भी लगी हुई है अपनी ब्लॉग बनाने में, और इधर ड्राइविंग कर रहे हैं अभी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नैनीताल धाम, तो आज आप लोगों को मैं दिखाऊंगी नैनीताल धाम। बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत ज़्यादा मान्यता है उसकी यहाँ पर राजस्थान में। तो मैं वहाँ पर वैसे तो पहले बहुत बार जा चुकी हूँ, लेकिन शादी के बाद मेरा ये पहला मौका है जब मैं नैनीताल धाम जा रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और होप करती हूँ आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और उधर से हमारी जीजी लग रही हुई है, बना नहीं दिया, अभी बनाना स्टार्ट करेंगी थोड़ी देर में उनका ब्लॉग। हे गाइस, सो अभी हम लोग आ चुके हैं आगरा रोड मेन हाईवे पे, और इधर से हमें जाना होगा बांसको की साइड, क्योंकि नैनीताल धाम बांसको में है। तो उससे पहले देख लीजिए दोसा का, थोड़ा सा भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। उधर की साइड दिखेगी, यही होता है, साइड दिख रहा है, दिख रही है। और जो लोग राजस्थान को देखने की ज्यादा अच्छी गए, वो लोग राजस्थान की देख लीजिए। बच्चों के लिए स्टेशन पे इंतजार है यहाँ। हाँ हाँ हाँ, अभी हम लोग एंट्री कर चुके हैं नैनीताल महाराज के मेन रोड पर, और हमें बहुत सारी पदयात्राएं मिल चुकी हैं यहाँ पर। तो अभी चल रहा है भादवा का महीना, तो सावन और भादवा दो महीने वहाँ पर मेला लगा ही रहता है। और अगर पूरे साल भर की बात करें तो हर चौदस को भगवान शिव का बहुत बड़ा मेला लगता है वहाँ पे। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि नैनीताल महाराज का जो मंदिर है वो भगवान शिव का मंदिर है, और यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है राजस्थान में। तो आसपास के गाँवों से भादवा और सावन के महीने में बहुत सारे लोग पदयात्रा लेकर आते हैं, तो वही सब पदयात्राएँ हमें मिल चुकी है। तो इसी वजह से थोड़ा बहुत ट्रैफिक जाम हो गया था। सो कोई नहीं, चलो अभी हम लोग थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। एवरीवन, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नैनीताल धाम, और यह पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है, बहुत सुंदर मंदिर है। और अभी यहाँ पे मेला लगा हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो हमने गाड़ी पार्क कर दी है बहुत पीछे, और हम लोग जाएंगे पैदल। तो मंदिर का रास्ता यहाँ से लगभग 10 मिनट की दूरी पे है, तो हम लोग अभी पैदल ही जा रहे हैं। आगे जा रही है किष्टी मिष्टी, एंड इधर किंसु सो गया है अपने पापा की गोदी में। बाप रे, अभी हम लोग दे रहे हैं परिक्रमा, नैनीताल महाराज का मंदिर है ये। क्या कह रही है बेटा? नहीं, ये चारों तरफ धर्मशाला बनी हुई है, कभी कोई फंक्शन करे या फिर कुछ सैसरगढ़ हो, यज्ञ हो, तो लोग इधर बैठकर सरसरगढ़ करवाते हैं। नहीं नहीं, वो दूसरा, मैं वो नहीं बता रही आपको डिजाइन। हाँ हाँ, गोदी में तो था, किसमें थक गए तू? वो कह रहा थक गए, जबकि गोदी में सुतरा ही नहीं है। हे गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं खाना खाने के लिए, और ये है हमारी ननद। तो इन्हीं का प्रोग्राम था, इन्होंने नैनीताल महाराज के प्रोग्राम किया था, तो उसी के फंक्शन को अटेंड करने के लिए हम लोग आए थे। तो अभी खाना परोसा जा रहा है, तो अभी फ़िलहाल डाल दिया हमें चूरमा, तो खाने में दाल बाटी चूरमा। ये ले
जाओ एक्स्ट्रा। इधर डाल दिया है दाल बाटी, नहीं 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 इधर डाला है दाल और रायता एंड नींबू, और अभी डाल रहे हैं सब खाने में क्या क्या है जो अभी दिखाएंगे आपको। तो फाइनली हमारा खाना आ चुका है, दाल बाटी चूरमा एंड रायता एंड साथ में है नींबू। तो फिलहाल हम लोग सब खा लेते हैं, आप भी आ जाइए और खाना खा लीजिए। तो फिलहाल हम लोग खा लेते हैं अभी खाना। फाइनली प्रोग्राम हो चुका है बहुत अच्छे से और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। तो होप करती हूँ आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आज मैं छोड़ने वाला हूँ, मन खुश हुआ।